हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज। आई सेल्फ LR सोलंकी, आपका यूट्यूब टीचर, आपका यूट्यूब गाइडर, आपका यूट्यूब मोटिवेटर। तो दोस्तों, जो आज अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे नागपुर एम्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ। नागपुर एम्स में 80-20 का रेशियो था, उसकी वजह से बॉयज और गर्ल्स दोनों का जो मेरिट का रेशियो रहेगा वह डिफरेंस रहेगा। लेकिन उसके बात करने से पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने व्हाट्सएप में इतने लोग जुड़े हुए हैं कि सबको पर्सनली जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो मेरे यूट्यूब से मैं अपील करता हूँ कि पेपर का लेवल हाई आया था, क्योंकि हमने जब अभी मेरिट डाल रहे हैं उससे पहले कम से कम मोर देन 800 लोगों का अपने YouTube पे एग्जिट पोल से लिया है, मतलब पोल से लिया है। इसके अलावा मैंने अपने 500 से ज़्यादा WhatsApp पे भी लोगों से फीडबैक लिया है, उसके बाद में हम डाल रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट से मेरी एक अपील है, आप अपने रिजल्ट से दुखी नहीं रहे या आप अपने पेपर से दुखी नहीं हुए, क्योंकि पेपर सबके लिए हार्ड था और लेवल रियली अच्छा था। आपकी तैयारी में मैं नहीं मानता हूँ कि कमी थी, लेकिन अभी आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा, आपको तैयारी करने का तरीका बदलना पड़ेगा। आप अगर पुराने टाइम से अपने अगर तैयारी रख रहे हो तो वो भी सही बात नहीं है। तो दोस्तों, अभी मैं बात करता हूँ मेरिट का। जो पहले मैं बॉयज़ की मेरिट बताऊँगा, उसके बाद में गर्ल्स की। जो जनरल का जो बॉयज़ है उसकी मेरिट रहेगी 64 से 68। इसके बाद में OBC का जो बॉयज़ है उसकी मेरिट रहेगी 60 से 64। SC का जो बॉयज़ है और ST का बॉयज़ है, SC के बॉयज़ का मेरिट रहेगा 55 से 60 और ST के बॉयज़ का रहेगा 53 से 57। EWS का जो बॉयज़ का मेरिट रहेगा 58 to 62। इसके बाद में बात करते हैं PWD का जो बॉयज़ है उस वो 43-45 पे उसका नंबर आ जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अपन गर्ल्स की जो बात करेंगे, गर्ल्स का जो OBC और जनरल का जो मेरिट जाएगा एटलीस्ट 60 से 64, OBC का मेरिट जाएगा 53 से 58। इसके बाद में बात करते हैं अपन SC और ST, SC का मेरिट जाएगा 52 से 55, ST का मेरिट जाएगा 48 से 52 और EWS का जो गर्ल्स है उसका मेरिट जाएगा 53 से 57। PWD का जो कैंडिडेट है 38-40 पे नंबर आ जाएगा। ये दोस्तों हमारे मिशन हाई नर्सिंग फैमिली की पूरी टीम ने बैठ के एक्सपेक्टेड मेरिट निकाली है, और वो भी रिव्यू और फीडबैक के आधार पर, स्टूडेंट रिव्यू और स्टूडेंट फीडबैक के आधार पर। दोस्तों, मैं एक तीन बातें आपको कहना चाहता हूँ, वो तीन बातें ज़रूर सुनना है आपको सबको, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। सबसे पहले तो अगर आप अभी प्रिपरेशन शुरू किए या कर रहे हो तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप 2 से 3 महीने में आप अपने ऐसे नोट्स प्रिपेयर करो कि आगे आने वाले किसी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आए। मैंने जब अपने नोट्स शुरू किए थे तब एनाटॉमी से लगाकर रिसर्च तक, मैथ से लगाकर हिंदी तक, GK से लगा करंट्स अफेयर, पुराना भी जो इम्पोर्टेंट GK, सबका तैयार किया था। वो मुझे हर एग्जाम में बेनिफिट दिया है। जो स्टूडेंट मुझे पर्सनली जानते हैं उनको अच्छे से पता है, या जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको अच्छे से पता है कि मैथ्स इनकी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने मैथ्स के ऊपर उस टाइम काम किया है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे मैथ्स के नोट्स ये हैं, आप देख लो, इतने नोट्स, इससे ऐसे 2 रजिस्टर जो मेन एग्जाम के लिए, एक बार मेरे को 15 से 20 दिन या महीना पर लगा, लेकिन अभी मुझे जिंदगी की टेंशन ही नहीं है। मेरे ESA में मैथमेटिक्स रीजनिंग और अदर पार्ट में 25 में से 23 क्वेश्चन राइट थे, जो मुझे काफ़ी दूसरे लोगों से लीड दे गए और सिलेक्शन भी हुआ है। और अभी मैं बात करता हूँ सेकंड बात, इन डिटेल नोट्स के साथ ही एक अपना शॉर्ट नोट जरूर बनाएं, ठीक है। जो एग्ज़ाम से आप 2 ओवर पहले भी आपको बोला जाए कि भी आपका 5 ओवर के बाद में एग्जाम है तो आप इसको पढ़ सको। इसके अलावा एक मैं और बात करना चाहता हूँ 80-20 का, सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए और मेरे बॉयज स्टूडेंट के लिए। इस मैटर में थोड़ा गर्ल्स को थोड़ा दुखी बुरा लग सकता है, लेकिन अभी के लिए, फ्यूचर में गर्ल्स जो खुद सेलेक्ट होकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगी, एम्स में जाएगी, उनको बाद में रियली उनको खुद को बुरा लगेगा कि बॉयज़ भी कोई साथ में होना चाहिए। उसका रीज़न भी मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि अभी जो पटना एम्स ने जो सर्विस पर्सन ने केस लगाया था वो केस ऑलमोस्ट मतलब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है, ठीक है। और उन लोगों ने रियली बहुत मेहनत की है, क्योंकि उन लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, और जो केस लगाया है उसमें मिशन हाई नर्सिंग फैमिली ने भी जो भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन था वो दिया भी है, और हमेशा उन लोगों से कॉन्टेक्ट में है। लेकिन उस अभी तक किसी कोई भी बेरोजगार स्टूडेंट इस मामले में आगे नहीं आया। मुझे ये बिलीव ये मतलब बड़ा सरप्राइज लग रहा है कि इतने बेरोजगार स्टूडेंट कहाँ पढ़ने लग गए। अगर आप 15 दिन नहीं पढ़ोगे और आप इस मामले में लग गए और आपने अगर सक्सेस हो गए इस मामले को 80-20 को हटा दिया तो आपकी जॉब एक महीने बाद लेट लग जाएगी। लेकिन अगर आप इसके खिलाफ लड़े नहीं तो आप पढ़ के भी क्या करोगे, जब आपका वैकेंसी 1000 आएगी तो आपकी सीटें कितने रहेगी, 200। और 1000 वैकेंसी कब आती है, बहुत कम लंबे टाइम बाद वैकेंसी जनरल कितनी आती है, 200 आती है, 200 में आपकी सीट कितनी रहेगी, 40 में ऐसे जनरल का एक लड़का है वो रहेगा 20 में भी वापस EWS कैटेगरी, तो कॉन्ट्रीब्यूशन होके 200 सीट में से 15 सीटें आप एक जनरल के लड़के के लिए आएगी, तो सिलेक्शन बहुत डिफिकल्ट रहेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, 2015 में UPSC का भी ऐसा कोई मैटर हुआ था उसका CZ के बारे में। उन लोगों ने दिल्ली में गए, अभी बोलते हैं लोग बोलते हैं कि लाठी साथ कर देंगे, डंडे मार देंगे, अरे डंडे खा लो भाई, डंडे खा लो, ठीक है। अगर डंडे खाने से भी मामला सुलझ जाता है तो डंडे खा लो, डंडे एक बार ही खाना पड़ेगा। अगर जॉब नहीं लगी ना तो जिंदगी भर के ताने और आप एक बेरोजगारी में जियोगे, इससे बेटर तो एक बार डंडे खा लो, मारेंगे तो नहीं ना आपको, डंडे मारेंगे। तो दोस्तों अभी मेरे मुझे पता है लोगों को कमेंट आएगा आप सर खा लो ये कर लो, अरे भाई मैंने तो अपने टाइम में बहुत कुछ किया और अभी भी मैं लड़कों के लिए लड़ता हूँ, ठीक है। अभी भी ऐसे नहीं कि अपने प्रोफेशन के लिए, हमेशा हम जिंदे हैं और जिंदा रह गए और इस मैटर को भी हमने आगे तक तो पहुँचाया है। लेकिन दोस्तों जब तक बेरोजगार स्टूडेंट आगे नहीं आएंगे तब तक इस मैटर में कुछ भी नहीं कर सकते। आज मैं फिर से अपील करता हूँ, अगर लड़के ही इस भरोसे बैठे हैं कि सर कर लेंगे या हमारे जो लगे हुए वो सर कर लेंगे या हमारे बॉस कर लेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। जब तक बेरोजगार स्टूडेंट आगे नहीं आएंगे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकते। उसका मैं रीजन एक बार वापस आपको बता देता हूँ, क्योंकि जॉब वाले पर्सन के पास इतना टाइम नहीं रहता है, जॉब जाओ फैमिली ये बहुत ऐसा हो गया। लेकिन जॉब वाला पर्सन आपको क्या कर सकता है, फाइनेंशियल हेल्प जरूर कर सकता है। तो बेरोजगार स्टूडेंट को अपना टाइम देना पड़ेगा इस मामले के लिए, और जो मेरे कोचिंग है मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस और इसके अलावा अदर जो कोचिंग है, अदर जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो इन सर्विस कैंडिडेट हैं उनसे भी अपील करूंगा इस मामले में। बेरोजगार स्टूडेंटों को भी आपको हेल्प करनी है, हेल्प आप कैसे कर सकते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन से, या अगर दिल्ली में धरने प्रदर्शन के लिए या दिल्ली में किसी मामले के लिए अगर इस रिगार्डिंग आए तो आप दिल्ली के में अगर रहने की व्यवस्था भी प्रोवाइड करेंगे वो भी आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो दोस्तों इस मामले में आपको आगे आना है, रियली मैं आपको बताता हूँ, गर्ल से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा अपना आपसी सेल्फिश छोड़ के बॉयज का अगर इस मामले में रियली अगर आप सपोर्ट करते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा उदाहरण बन जाएगा और आपसे बहुत बड़ी थिंग्स बन जाएगी। तो दोस्तों यही मैं कहना चाहता था, इसलिए मैं आज आपसे आपके सामने लाइव आया हूँ। तो दोस्तों मेरी एक बार फिर से अपील है, इस मामले में लड़ो, अगर अभी नहीं लड़े तब तक कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। जब UPSC के जब बिना इकोनॉमिकल सपोर्ट के 15 दिन अगर दिल्ली में लोकसभा का धरना देके लोकसभा का घेराव करके वो अपना मामला सुलझा सकते हैं तो आप तो नर्सिंग ऑफिसर का जो सीन सर्विस है उनका आपको सपोर्ट है दिल्ली में बहुत, दिल्ली एम्स में लगे हुए, सफदरगंज में लगे हुए, इसके अलावा उसके बहुत सारे रिलेवेंट में लगे हुए, और हर पर्सन भी जाएगा तो किसी न किसी का कोई बॉस, किसी न किसी का कोई फ्रेंड लगा हुआ है, तो आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक बार फिर आपको आगे खुद को निकलना पड़ेगा, आपको किसी के भरोसे नहीं बैठना है। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, मेरिट ही रहेगा आगे भी, मिशन है हाई फैमिली के साथ आपको जुड़े रहना है, आगे भी हम HD का मटेरियल आपको देते रहेंगे, वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, लाइक 80-20 का आपको माइंड में जरूर रखना है।